YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के मार्केट सेंटिमेंट के बारे में। देखिए, निफ्टी हमारा पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को तय करता है, तो यहाँ पर सेंटिमेंट पूरी तरह से बुलिश है। यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ था उसे निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पर अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखा है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम है वो काफी जबरदस्त होगा, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक बाजार ओरिजिनल करके टेलीग्राम है, वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि फिलाटेक्स मैंने प्रोवाइड किया था 106 के ऊपर बाय करना है, वो 116.50 रुपया तक गया, 17 का टारगेट दिया था, 50 पैसे से मिस किया। उसी तरह से मैं आपको सारे स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए देते रहूंगा। चाहे तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपको फ्री में भी मैं कॉल प्रोवाइड करूंगा। कोर्स ले लेते हैं तो आप अपने से सीख जाएंगे, अपने से स्टॉक को एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर निफ्टी जो इनसाइड कैंडल को पैटर्न को ब्रेक किया है, तो ये इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, जो कि ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है। देखिए, ये रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद भी मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करें, इसके ऊपर सस्टेन करें, फिर इसको रिटेस्ट करें, फिर मोमेंटम कंटिन्यू करें तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन बैंक निफ्टी बेयरिश कब होगा? जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए, एक ट्रेंड लाइन हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो जब इस ट्रेंड लाइन को ये निफ्टी ब्रेक कर देगा तब ये बेयरिश होगा। तो फिलहाल बेयरिश की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो इन साइड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ था वो अप साइड ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, या निफ्टी साइडवेज हो सकता है, या इस ट्रेंड लाइन वाले रेजिस्टेंस को ये हिट करे, हिट करने के बाद यहाँ पर मोमेंटम पाउज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मोमेंटम पाउच हुआ ये प्रॉफिट बुकिंग था, जिन्होंने भी इस बुलिश इनगल्फिंग पे बाय किया था उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, उसके द्वारा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। फिर ये जो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है इसके ब्रेक के बाद, फिर यहाँ पर फ्रेश बायर हमें देखने मिला, तो ये फ्रेश बायर हो सकता है निफ्टी को यहाँ ऊपर तक ले जाए, या यहाँ पर मोमेंटम हमें अगर नीचे देखने मिलता है तो फिर ये बायर ट्रैप हो जाएंगे। तो ये बायर ट्रैप होते हैं, तो फिर इस कैंडल का जो लो है, ये जो बेरिश कर रहा है, इसके ब्रेक होने के बाद काफी तेजी से ये निफ्टी जो है नीचे कंसोलिडेट होगा। देखिए, मतलब पुल बैक दिखाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर वायर जो ट्रैप होंगे उनका स्टॉप लॉस होगा, साथ साथ फ्रेश सेलर आएंगे, तो ये काफी तेजी से थोड़ा यहाँ पर डिप दिखा सकता है। लेकिन अगर ये फ्रेश वायर इसको ऊपर ले जाने में सक्षम होते हैं, तो फिर इस रेसिस्टेंस लाइन तक ले जा सकते हैं, या इसको ब्रेक करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। ऊपर गया तो फिर हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, फिर एक सॉलिड मोमेंटम ऊपर हमें देखने मिल सकता है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा लेवल है जहां से रेजिस्टेंस फिर करके नीचे भी आ सकता है, या इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर आगे हमें एक जबरदस्त बुलिश रैली देखने मिलेगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में उतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए, ये इनसाइड कैंडल के फॉर्मेशन को ये भी ब्रेक किया बैंक निफ्टी भी, लेकिन ये उतना ऊपर तक नहीं गया। बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक सप्लाई जोन भी है, इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सप्लाई जोन है 38,700 लेकर के 39,500 के बीच का लेवल। ये सप्लाई जोन को ब्रेक करके बैंक निफ्टी का ऊपर सस्टेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, तब जाके बैंक निफ्टी जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको अपसाइड दिखाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट काफी बुलिश है, तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, मतलब हम यहाँ पर आशा रखेंगे जब तक प्राइस एक्शन बेरिश ना बन जाए, तब तक हम आशा यही रखेंगे कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकलेगा। क्योंकि जब मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो, जब निफ्टी हमारा बुलिश हो, हम सारे स्टॉक्स और बैंक निफ्टी का यही सेंटिमेंट लेकर के चलेंगे कि ये यहाँ पर बुलिश रहेगा और इस सप्लाई जोन को ब्रेक करेगा। अगर प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पर बेरिश का, तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल हम बुलिश है सारे स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे भी, और बैंक निफ्टी बेरिश तब होगा जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद बैंक निफ्टी बेरिश होगा। अगर यहाँ डिप आता है तो डिप पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद ये बैंक निफ्टी बेरिश हो सकता है। ये ओवरऑल एक ब्रीफ एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।